अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर में जो आपको बताया गया था ऑर्गन्स का सिस्टम के बारे में, सबसे पहले हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का माउथ से स्टमक तक स्टडी किया था। अब नेक्स्ट हम लोग उसमें स्टडी करेंगे कि स्टमक आफ्टर हमारी फूड वो कौन से ऑर्गन में जाते हैं, उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। आप लोग देख सकते हैं माउथ से हमारे फूड एंटर होते हैं, यहाँ पे टीथ में ग्राइंड की जाती है, हमारी जबान इसे पुश करती है फूड पाइप में जिसको एसोफेगस कहते हैं। यहाँ से हमारे स्टमक में आती है, स्टमक से में इसके फूड के कुछ पार्ट डाइजेस्ट होते हैं। यहाँ से हमारी ये नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं जहाँ पे गैस्ट्रिक जूस होते हैं जिनकी हेल्प की मदद से हमारी फूड डाइजेस्ट हो जाती है। और इसकी वॉल्स में मौजूद जो वेंस होती है, कैपिलरीज होती है, जिनमें फूड ब्लड वेसल्स में ब्लड वेंस में हमारे अब्जॉर्व हो जाती है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चल जाता है। यहाँ से इसका एक पार्ट प्रेक्टम होता है जिसमें हमारी अनडाइजेस्टेड फूड सेव हो जाती है और वहाँ से अनस के ज़रिए हमारे बॉडी में से रिलीज हो जाती है। आई होप आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझ आ गया होगा। इसमें नेक्स्ट मंथ एक पार्ट है कि हमारे यहाँ पर लीवर के अंदर लीवर के अंदर बाइल मौजूद होती है जिसकी मदद से हमारी ऑयल फूड में जो इंक्लूडेड ऑयल के फूड का ऑयल का पार्ट होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। आई होप आपको ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मीट टू नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।